Welcome, student. Today, we are going to start the next topic online safety. Online safety means the measures that we can take to protect ourselves while doing online activities. In this topic, we are also going to cover the different problems that might happen on internet when we are online the different kinds of malwares that can affect our processing and data information that we kept inside our computer or mobile so let's begin it the internet has revolutionized communication and it has become the lifeline of any organization विद द रेपिड ग्रोथ ऑफ़ इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड सिक्योरिटी रिस्क हैव ऑल्सो इनक्रीज तो ये जो इंटरनेट है कम्युनिकेशन है इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यह हमारी लाइफ लाइन बन गई है लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी नेटिजन टू यूज़ द इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज़ रिस्पॉन्सबली सो दैट वन कैन टेक प्रिकॉशंस टू कीप देयर कंप्यूटर एंड ऑनलाइन डेटा सेफ तो ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेट को उसकी सर्विसेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें जिससे हम अपने आप को तो सेव कर सकें अपने डेटा को सेव कर सकें साथ ही साथ दूसरों के साथ भी हम कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिनसे उनके डेटा उनकी प्राइवेसी पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं जिससे हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन सेफ़ रह सके वाइल्ड वर्किंग ऑनलाइन सिस्टम में गेट इन्फेक्टेड विद वेरियस हार्मफुल प्रोग्राम नोन एज मेलवेयर जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हमारा जो कंप्यूटर है वो मेलवेयर से अफेक्ट हो सकता है ये जो वर्ड मेलवेयर है ये दो वर्ड्स से मिल के बना है मेल दैट मीन्स मेलीसियस वेयर मीन्स सॉफ्टवेयर मेलीसीियस सॉफ्टवेयर तो मेलवेयर इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मेलीसियस एंड सॉफ्टवेयर मेलवेयर इज़ अ मेलेसियस प्रोग्राम दैट इंटर्स इन टू अ कंप्यूटर एंड डैमेज इट विदाउट द यूजर्स नॉलेज इट नॉट ओनली इंटरअ द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर बट आल्सो स्टील्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर तो ये जो मेलवेयरस होते हैं ये कंप्यूटर में आपके नॉलेज के बिना इंट्रूड कर जाते हैं और आपके कंप्यूटर की डेटा इंफॉर्मेशन को डैमेज करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं बिना आपकी नॉलेज के साथ ही साथ ये केवल आपकी नॉर्मल वर्किंग को ही इंटरप्ट नहीं करते हैं इट कैन आल्सो गैदर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन योर एक्टिविटीज़ एंड इट टू क्रिएटर ऑफ दैट मेलवेयर

और इसको रोकने के लिए एक एंटीवायरस बनाया गया था जिसका नाम था रीपर अब यहाँ पे एक वर्ड आया था नेटिजन तो द टर्म नेटिजन डिस्क्राइब अ पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑनलाइन कम्युनिटीज और द इंटरनेट इन जनरल तो वो लोग जो ऑनलाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं नेटिजन मतलब दो सिटीज़न हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन एक्टिविटीज नाउ तो पहला जो मेलवेयर टाइप हमारा होता है दैट इज ऐडवेयर तो देखिए एडवेयर आर प्रोग्राम्स दैट सेंड अनवॉन्टेड एडवर्टीजमेंट टू द यूजर्स कंप्यूटर दीज एडवर्टीजमेंट जनरली अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पॉप अप्स वेन वी डिस्ट्रप्टूजर्स वर्किंग सो इट इज एडवाइज दैट बिफोर इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर यूज़ अ लिगमिट साइट टू रीड द इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट थारोली तो एडवेयर वो मेलेसियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी डेटा इंफॉर्मेशन को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं दे कैन नाट काज हार्म मोस्टली बट दे आर एनॉइंग दैट मीन्स

या कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं तो वहीं पे ऑप्शन रहता है कि इंस्टॉल दिस टू इन योर कंप्यूटर तो वो क्या होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद से वो इनोइंग एडवर्टीज़मेंट शो करता है हमारी स्क्रीन पे ऐसे भी एडवेयर्स हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में आ जाएं तो आपको ऐसे एड्स दें जिससे फिशिंग भी की जा सकती है तो प्लीज़ बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवेयर्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज स्पाईवेयर स्पाईवेयर एज द नेम सजेस्ट स्पाई सॉफ्टवेयर तो स्पाईवेयर इज मैलिशियस प्रोग्राम और मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स द यूजर्स कंप्यूटिंग एक्टिविटी जैसे जासूस स्पाई क्या करता है बहुत ही सीक्रेट तरीके से किसी चीज़ को मॉनिटर करता है वैसे ही स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं यूज़र की कंप्यूटिंग एक्टिविटी को कि यूज़र कंप्यूटर पे ऑनलाइन कर क्या रहा है दिस प्रोग्राम कैन कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल सच एज ट्रैकिंग द इंटरनेट सर्फिंग हैबिट एंड विजिटिंग web pages by user or changing the configuration of your system तो ये जो spyware है वो user की personal information को gather कर सकता है उसकी internet surfing habits को gather कर सकता है कौन कौन से web pages वो visit कर रहा है ये gather कर सकता है and these program have the ability to scan file on the hard drive and snoop other applications such as a chat program or word processor while doing so they constantly transmit this information in the background to someone else who will either sell the information to another party or use it for advertising marketing purpose तो ये जो एडवे ये स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव को स्कैन भी कर सकते हैं उनकी सारी फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं और उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कॉन्सिस्टेंटली ट्रांसमिट कर सकते हैं उस पर्सन के पास जिसने स्पाईवेयर बनाया था अब वो पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को बेच सकता है आपके खिलाफ़ यूज़ कर सकता है आपको हार्म पहुंचा सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है या बहुत ही अगर सिंपल uh, केस होगा तो आपको एडवर्टीजमेंट जैसे एडवेयर के फॉर्म में एडवर्टीजमेंट आपको दे सकता है तो दिस इज वेरी वी कैन से इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मेलवेयर बिकॉज टू डिटेक्ट इट वी हैव टू फॉलो डिफरेंट गाइडलाइंस एंड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स बिकॉज स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड होगा स्पाईवेयर से नेक्स्ट टाइप इज वायरस वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है तो अ वायरस इज़ अ कॉन्टिग्यूअस प्रोग्राम आर कोड दैट अटैक्स द यूज़र सिस्टम एंड कॉज डैमेज टू डेटा एंड फाइल ऑन द सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़र के सिस्टम पे अटैक करता है और उसके डेटा या फाइल को डिलीट करता है डिस्ट्रॉय करता है इट एडवर्सली एफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द यूजर्स सिस्टम बाई अटैकिंग एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज बूट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट मैक्रोज और सिस्टम एरियाज मोस्ट ऑफ एन दीज दिस इज स्प्रेड बाई शेयरिंग सॉफ्टवेयर और फाइल बिटवीन द कंप्यूटर तो ये जो वायरस है ये एक बार जब हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये हमारे सिस्टम की बूट ब्लॉक्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो हम फाइल रखे हुए हैं अपने कंप्यूटर में या कोई सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रहा है रखा है उसको ये अफ़ेक्ट करता है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है तो ये एक तरीके से डायरेक्ट हार्म पहुंचाता है आपके कंप्यूटर और उसके रिसोर्स को तो ये जो वायरस है ये बहुत हार्मफुल है लेकिन स्टिल इसको डिटेक्ट करना आसान है क्योंकि अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो रही है हमारा कोई एप्लीकेशन यूजबल नहीं रहा तो वी गेट टू नो दैट सम थिंग इज रॉन्ग इन आर कंप्यूटर बट टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम वायरस वी मस्ट यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नेक्स्ट थिंग इज़ वाम अ व्म इज अ प्रोग्राम विच कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इट्स सेल्फ एंड कैन कंज्यूम लार्ज पोर्सन ऑफ सिस्टम मेमोरी तो वॉम क्या होता है कि ये लेस हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू वायरस ये आपके कंप्यूटर को उसकी रिसोर्स को कोई भी डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचाता है इसको वॉम इसलिए ही बोलते हैं बिकॉज इट पॉजिस द प्रॉपर्टी ऑफ वॉम दैट वॉम्स कैन रिप्लीकेट इट सेल्फ एंड एट अ वेरी हाई स्पीड तो जस्ट सिमिलर टू दैट वॉम्स इफ़ कम इन टू योर कंप्यूटर इफ अ सिंगल वॉम कम इन टू योर कंप्यूटर दैन इट कैन रिप्लीकेट इट सेल्फ एंड क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट एंड कंज्यूम The space of your computer, the hard, hard disk space of your computer, if you connect your computer with network or internet at that time, it automatically get transferred and started transferring itself in replication through the network causing the network to be slows down. तो इट इज़ अ मेलवेयर दैट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लीकेट सेल्फ रिप्लीकेट मतलब अपने आप को दोबारा खुद से आ, उसकी दूसरी कॉपी क्रिएट करना एंड स्प्रेड अक्रॉस मशीन्स एंड नेटवर्क ऑन इट्स ओन अब इसके बारे में जान लीजिए कंपनी है ज़ीराक्स इंटरनेशनल जिसने सबसे पहली फोटोकॉपी मशीन बनाई थी उसने ही पहला वाम बनाया था लेकिन वाम को जब बनाया गया था तो उसका इंटेंशन बहुत सही था इसको बनाया इसलिए गया था कि अगर हमारे नेटवर्क में सौ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो हम अगर कोई एक सॉफ्टवेयर सौ कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैनुअली ना करके हम क्या करें वाम के अंदर उसको डाल दें वाम कोड से अटैच कर दें और ऐसे करने पे होगा क्या वो ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े हैं उसमें पहुंच जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा तो बनाया इसको अच्छे पर्पज से गया था लेकिन बाद में जो हैकरस हैं अटैकर्स हैं उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और ऐसे वर्म्ब्स क्रिएट किए दैट आर कॉजिंग टू आर स्टोरेज स्पेस नेक्स्ट इज ट्रोजन हार्स तो ट्रोजन हार्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेलवेयर इट इज़ अ प्रोग्राम जस्ट लाइक स्प्रेडशीट और गेम इट लुक्स लाइक स्प्रेड और गेम और इमेज फाइल इन आर कंप्यूटर दैट At first glance seems to be useful, but once it is activated, it harms the system by deleting files or modifying users in useful information. तो ये ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जो अगर हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर दें तो हमको ये लगेगा कि ये कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये एक्सल की फ़ाइल या कोई वर्ड फाइल है या कोई इमेज है या कोई वीडियो है या कोई गेम है लेकिन जब हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाएगा और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा मतलब एक डिज़ास्टर इफेक्ट लाएगा इवन कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपका पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाएगा आपकी पूरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी और आपके डिस्क पे कोई डेटा नहीं रह जाएगा तो दैट इज़ ट्रोजन हॉर्स नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक तो इट इज़ हार्मफुल प्रोग्राम मैंट टू स्लोज डाउन अ सिस्टम इट कैन ब्लॉक अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेक्स द सॉफ्टवेयर इन इनऐसेसबल टू द यूजर एग्जाम्पल एल याहू और योर बिजनेस नेटवर्क कैन बिकम अन एवेलेबल तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या करता है कि आपकी जो सर्विसेज आप ले रहे हो वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे दैट मीन्स यू आर अ लिमिट यूज़र यू आर अ वैलिड यूजर ऑफ़ द नेटवर्क बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू एसेस इट तो दैट इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक मतलब आप किसी कारण से अब अपनी नेटवर्क अपनी सर्विसेज जो आपको मिलनी चाहिए थी वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग इज रूट किट तो मेलवेयर डिजाइन टू रिमोटली कंट्रोल योर सिस्टम विदाउट बींग नोटिस वंस इंस्टॉल्ड इट विल रिमोटली एसेस एंड मॉडिफाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विदाउट बींग ट्रैक्ड बाई एनी सिक्योरिटी प्रोग्राम तो रिट रूट किट ऐसे मेलवेयर होते हैं जो एक बार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए तो अब आपके कंप्यूटर को आपके मोबाइल फ़ोन डिवाइस को जिसमें ये इंस्टॉल हुए हैं उसको कोई दूसरा पर्सन कहीं से भी बैठ के डायरेक्टली एसेस कर सकता है इवन आपके कम आपके डिवाइस में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा इसके कुछ वैलिड सॉफ्टवेयरस भी होते हैं जैसे टीम व्यूअर है एनी डेस्क है अगर हम टीम व्यूअर अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें तो अगर मान लो हमारे पास दो मोबाइल फ़ोन है दोनों में हमने टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लिया तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी तो अगर हम चाहें तो एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसका पूरा स्क्रीन दूसरे मोबाइल फ़ोन पे खुल के आ जाएगा यहाँ तक कि हम उस फ़ोन को सट डाउन भी कर सकते हैं उनसे फ़ोटोग्राफ़ भी खींच सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो ये तो वैलिड यूज़ है हमारे रूट किट का लेकिन अगर हम यही काम विदाउट यूज़र इंटरवेशन करें या बिना उसको इंटीमेट किए करें और उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करें दैन इट इट इज़ टर्म्ड एज़ मैलिशियस एक्टिविटी दैन आफ्टर बैकडोरस तो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स द अदर मेलवेयर टू इंटरड्यूअर सिस्टम एंड हार्मेट तो बैकडोरस क्या होता है कि एक्चुअली ये वो लोग ही बनाते हैं जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना दें जैसे मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया अब उस सॉफ्टवेयर बनाते समय उसमें एक बैकडोर रख दिया मतलब हमने उसमें कुछ लूप होल छोड़ दिया अब उस सॉफ़्टवेयर को जब यूज़र यूज़ use करना स्टार्ट करेंगे तब हम उस बैकडोर का यूज़ करके उसकी प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर सकते हैं बट इट इज़ नॉट एथिकल देन आफ्टर की लॉगर्स तो दीज आर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू कैप्चर की स्ट्रोक विदाउट बींग आइडेंटिफाइड बाई द यूज़र और सिक्योरिटी प्रोग्राम तो की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए तो आप जो जो की प्रेस करोगे अपने कंप्यूटर में हर वो की प्रेस को ये स्टोर करेगा और फिर जिसने उस की लॉगर को क्रिएट किया है उसके पास भी भेज देगा ये जो की लॉगर है ये की लॉगर सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके भी वैलिड यूज़ भी होते हैं और एज अ वायरस एज अ मेलवेयर भी इसको यूज़ किया जाता है जैसे इसका भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है किड लॉगर के आई डी एल ओ डबल जी ई आर तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली कंप्यूटर में काम करता है मोबाइल फ़ोन पे नहीं काम करेगा तो अगर आप इसको नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ट्रायल वर्ज़न में फ़्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करें तो जैसे मान लो आपने फ़ेसबुक ओपन करना है तो आपने अपने कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन किया तो बैकग्राउंड में एक वर्ड फाइल बन जाएगी जिसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ स्टोर होगी तो जैसे आपने सपोज ब्राउज़र ओपन किया गूगल क्रोम तो उस वर्ड फाइल में लिख के आएगा गूगल क्रोम ओपन फिर उसके बाद लिखा रहेगा कि आपने टाइप किया www.facebook.com फिर उसके बाद आपने यूज़र नेम कोई टाइप किया ए बी सी एट द समथिंग तो वो पूरा यूज़र आईडी भी लिख के आएगा फिर आपने पासवर्ड के लिए कीबोर्ड से कुछ इंट्रीज की तो वो भी वहाँ पे टाइप हो के आएगा अब आप समझ सकते हैं कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो वहाँ पे एक वर्ड की फाइल में स्टोर हो जाएगा जिसको आगे चल के यूज़ किया जा सकता है लेकिन इस इस किड लॉगर को बनाया इसलिए गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकें लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे दैन इट इज़ टम्ड एज़ मैलिशियस देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ रैनसम वेयर रैनसम का मतलब होता है फिरौती तो देखो वेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले तुम्हारे सिस्टम में अगर आ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट फाइल्स को सर्च करके उसको अनयूज़बल बना देंगे फिर आपसे एक सर्टेन मनी या एक रैनसम मांगेंगे अगर आप उस मनी को पे करते हैं तभी वो आपकी जो सॉफ्टवेयर है या आपकी जो फाइल है वो यूज़बल होगी अदरवाइज वो जो फाइल है वो डिलीट कर दी जाएगी इट सेंड्स मैसेज ऑन अ यूजर सिस्टम दैट द सिस्टम इज़ लॉक्ड एंड द यूज़र विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन इट अंटिल वन पेज अ सर्टेन अमाउंट इट इज़ नॉट रियल नोटिफिकेशन रेदर एन इन्फेक्शन ऑफ द सिस्टम इट सेल्फ दिस रिक्वेस्ट फॉर मनी इज़ टोटली फेक एंड इवन इफ वन पेज द अमाउंट ही स्टिल विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन हिज़ आर हर सिस्टम so this type of malicious software is known as ransomware now that's all for today video please if in case of any doubt you can contact thank you